नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों की संख्या में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन इनमें से 50% प्रोजेक्ट्स ही अपने निर्धारित समय पर पूरे नहीं हो पाते। इससे ग्राहकों का पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है। तो चलिए नजर डालते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधर में लटके प्रोजेक्ट्स पर। पिछले 3 साल से सुशांत सरोगी अपने फ्लैट के पजेशन के लिए बिल्डर के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल इन्होंने 2006 में नोएडा के एक नामी गिरामी बिल्डर के साथ फ्लैट बुक करवाया था। बुकिंग के वक्त ही बिल्डर ने 2009 में फ्लैट का पजेशन देने का वादा कर दिया था। जल्द से जल्द पजेशन पाने के चक्कर में सुशांत ने अपने फ्लैट की पूरी कीमत भी चुका दी, लेकिन आज 7 साल बाद भी प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। आए दिन बिल्डर सुशांत को पजेशन की एक नई तारीख देकर बात आगे के लिए टाल देते हैं। पर आज मैं देखता हूं कि मैंने 2006 में बुक इनसे फ्लैट बाई किया था और मैं 2006 से ही आज तक रेगुलरली पूरा ईएमआई इनको देता आ रहा हूं बैंक को, और मेरे को अभी भी कोई सेटिस्फैक्ट्री उनको कोई डेट फिक्स पजेशन का मिलता नहीं है। सुशांत सरोगी की तरह लाखों ग्राहक नोएडा में अपने घर की आस लगाए बैठे हैं। नोएडा में दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 3 से 6 साल की देरी से चल रहे हैं। नोएडा में ओमैक्स का नोएडा एक्सप्रेसवे पर बन रहा प्रोजेक्ट द फॉरेस्ट पाथ 2006 में लॉन्च किया गया था और अब तक इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया है। कंपनी इस प्रोजेक्ट का पजेशन अब साल 2014 में देने का वादा कर रही है। नोएडा के सेक्टर 117 में बन रहा यूनिटेक का यूनी होम्स प्रोजेक्ट साल 2007 में लॉन्च हुआ था। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का पजेशन साल 2009 में ही दे देना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फिलहाल काम जारी है। ग्रेटर नोएडा में पार्सवनाथ बिल्डर का प्रोजेक्ट ट्राइडेशिया, पैलेजिया और प्रिविलेज प्रोजेक्ट भी 2007 की ही लॉन्च लिस्ट में शामिल है और आज तक इन प्रोजेक्ट्स का पजेशन ग्राहकों को नहीं मिल पाया है। जेपी ने जुलाई 2009 में कॉस्मोस के नाम से एक नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और आज तक ग्राहकों को बिल्डर से पजेशन के लिए सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। नोएडा के सेक्टर 44 में एसोटेक का सेलेस टॉवर भी 2008 में लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट की डिलीवरी 2012 में होनी थी। अब बिल्डर इस प्रोजेक्ट को 2014 में देने का वादा कर रहा है। प्रॉपर्टी बाजार के पंडितों का कहना है कि प्रोजेक्ट में देरी की कई वजह है। इसमें सरकार से नक्शा पास करवाना, एनवायरमेंट क्लियरेंस में मिलने में देरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बढ़ती लागत और वित्तीय दिक्कतें मुख्य हैं। कैश फ्लोज की वजह से प्रोजेक्ट डिले होते रहे हैं और आगे भी मेरे को बिकॉज कोई रेगुलेशन है नहीं एंड आगे भी कोई ऐसा कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं दिख रहे हैं डेवलपर्स ने लिए हैं कि आपसे सीधा आपको दिख रहा है कि 12 महीने या 18 महीने या 24 महीने में भी डिलीवरी पास है। अभी तो हम डिले की बात कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेजर कंसर्न ये है कि क्या ये डिलीवरी कभी होगी भी या नहीं। बिल्डर्स प्रॉपर्टी की 80% तक की बुकिंग करने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। इसके अलावा बिल्डर्स एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगा देते हैं। ऐसे में पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बिल्डर्स को फंड्स की किल्लत होती है और प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में दर्जन भर से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने निर्धारित अवधि से 3 से 6 साल की देरी से बन रहे हैं। शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी फ्लैट के इंतजार में बैठे हजारों ग्राहक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर डालेंगे आपके शहर के प्रॉपर्टी रेट्स पर।